हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज़ वीडियो विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक टास्क, एपीरियोडिक टास्क एंड स्पोरैडिक टास्क इन रियल टाइम सिस्टम्स। इस टॉपिक का दूसरा नाम है टाइप्स ऑफ रियल टाइम टास्क। रियल टाइम में कितने कितने टाइप के डिफरेंट टास्क होते हैं उनके बारे में स्टडी करना। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि पीरियोडिक टास्क क्या है। पीरियोडिक टास्क, जैसा कि नाम से क्लियर है कि जो रियल टाइम टास्क एक स्पेसिफिक इंटरवल के टाइम के बाद रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं इरेगुलर वे में हों, एक सिस्टमेटिक एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो टास्क रिपीट होते हैं, या एक फिक्स पीरियड के बाद जो टास्क रिपीट होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? पीरियोडिक टास्क की कैटेगरी में आते हैं। तो द रियल टाइम टास्क दैट इज रिपीटेड आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल इज नोन एज द पीरियोडिक रियल टाइम टास्क। एक सिस्टमेटिक टाइम इंटरवल होता है, उसके बाद वो रिपीट होते हैं। दूसरा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द क्लॉक ड्रिवन टास्क। क्लॉक के अकॉर्डिंगली जो टाइम इंटरवल फिक्स होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली ये फिक्स वर्क करते हैं कि भाई आफ्टर 30 सेकंड रिपीट होना है टास्क, ठीक है, तो क्लॉक के अकॉर्डिंगली वो 30 सेकंड के बाद वो रिपीट होंगे टास्क। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द क्लॉक ड्रिवन टास्क। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, द टाइम ऑफ अक्रेंस ऑफ पीरियोडिक टास्क कैन बी प्रोडिक्टेड। आप प्रोडिक्ट कर सकते हो कि टास्क कब होगा। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स मॉडरेट क्रिटिकल एंड लो क्रिटिकल टास्क। इसका जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो लो क्रिटिकल या मॉडरेट क्रिटिकल टास्क में किया जाता है। इट कैन बी ईजिली शेड्यूल्ड बाई यूजिंग द साइक्लिक शेड्यूलर। साइक्लिक शेड्यूलर यूज़ करके इसको हम ईजिली शेड्यूल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका मीजरिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट ए टाइम इंटरवल। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर आप टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं या प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पीरियोडिक टास्क। नाउ कम टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज एपीरियोडिक टास्क। इसमें भी जैसे क्योंकि पीरियोडिक टास्क के पहले ए लग गया एपीरियोडिक टास्क, तो ऑटोमेटिकली क्या मतलब हुआ, वो टास्क जो कभी भी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम पर हो जाएं, दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एपीरियोडिक टास्क। सो द रियल टाइम स्टार्ट दैट कैन ऑकर एट एनी रैंडम टाइम इज नोन एज द एपीरियोडिक रियल टाइम टास्क। यानी ऐसा भी हो सकता है इसमें कि एक टास्क हुआ, उसके बहुत टाइम तक कोई दूसरा टास्क ही ना हो, काफ़ी टाइम बाद दूसरा टास्क हो। और ये भी हो सकता है कि एक टास्क ख़त्म हुआ, जैसे ही ख़त्म हुआ तुरंत दूसरा टास्क स्टार्ट हो गया, ठीक है, फिर तीसरा टास्क काफ़ी देर तक नहीं हुआ, फिर चौथा टास्क स्टार्ट हो गया। यानी कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद टास्क शुरू हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक टास्क ख़त्म हो, दूसरा टास्क तुरंत स्टार्ट हो जाए। और ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक कोई टास्क हो ही ना। तो पीरियड फिक्स नहीं है, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट हो रहा है। तो द मिनिमम इंटर अराइवल टाइम बिटवीन टू जॉब्स, दो जॉब्स के बीच में जो इंटर अराइवल टाइम है, इट कैन बी ज़ीरो। कैन बी ज़ीरो का मतलब एक टास्क ख़त्म होते ही दूसरा टास्क शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस हो, ज़ीरो टाइम का डिफरेंस भी हो सकता है कि विद इन 0 सेकंड दूसरा टास्क स्टार्ट हो गया। कहाँ पर यूज़ करते हैं इसको? इट इंक्लूड सॉफ्ट रियल टाइम टास्क। सॉफ्ट रियल टाइम टास्क में हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ डेडलाइन कि बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्स्टेंट्स नहीं होते हैं। टाइपिंग ऑन कीबोर्ड और माउस मूवमेंट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एपीरियोडिक टास्क। अगला पॉइंट क्या है इसमें? टू मीट डेडलाइन ऑफ ऑल इंस्टेंसेस ऑफ एपीरियोडिक टास्क इज डिफिकल्ट। इसमें डेडलाइन आप मीट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है, डेडलाइन के हिसाब से ये टास्क आपका नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि तभी इसको हम इस किस में यूज़ करते हैं? सॉफ्ट रियल टाइम टास्क में, बिकॉज डेडलाइन के हिसाब से इसमें काम नहीं करा सकते, क्योंकि हो सकता है कभी जॉब काफ़ी देर तक स्टार्ट ही ना हो, और हो सकता है कभी जॉब एकदम स्टार्ट हो जाए। तो डेडलाइन वाले इंस्टेंसेस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इट नेवर गेट रिजेक्टेड बाई द शेड्यूलर। शेड्यूलर कोई भी एपीरियोडिक टास्क हो, हमेशा उसको एक्सेप्ट करेगा, क्यों, उसमें डेडलाइन का ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जो भी एपीरियोडिक टास्क की जॉब आएगी, इट कैन ईजिली बी शेड्यूल्ड बाई द शेड्यूलर, बिकॉज टाइम कॉन्स्टेंट्स आर फ्लेक्सिबल इन दैट केस।
नाउ द लास्ट वन इज इट आल्सो इंक्लूड लो और मॉडरेट क्रिटिकल टास्क. ये भी लो और मॉडरेट क्रिटिकल टास्क में यूज किया जाता है. नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी क्या कहती है? थर्ड कैटेगरी कहती है कि जो स्पोरेडिक टास्क होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी रेंडम अमाउंट ऑफ टाइम पर होते हैं, लाइक द एपरियोडिक टास्क. लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक टास्क खत्म हुआ तुरंत दूसरा स्टार्ट हो गया. दो टास्क के बीच में कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल जरूर होगा, एक मिनिमम टाइम इंटरवल जरूर होता है बिटवीन द टू टास्क. ठीक है, होते ये भी रेंडम अमाउंट ऑफ टाइम पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो टास्क, एक टास्क खत्म होने के बाद दूसरा टास्क तुरंत स्टार्ट हो गया. देयर मस्ट बी सम मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द टू टास्क, हाउएवर इट कैन बी रेंडम. ठीक है, मतलब ये हुआ एक टास्क मान लिया हुआ, उसके बाद कह दिया कि नहीं अगला जो टास्क स्टार्ट होगा वो कम से कम 3 सेकंड के बाद होगा, तो अगला टास्क 3 सेकंड के बाद भी स्टार्ट हो सकता है, 3 मिनट के बाद भी स्टार्ट हो सकता है, या 30 मिनट के बाद भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कम से कम कितनी देर बाद स्टार्ट होगा? 3 सेकंड के बाद. तो ये भी रैंडम होते हैं, एपिरियोडिक टास्क होते हैं, लेकिन दो टास्क के बीच में कम से कम कुछ टाइम इंटरवल जरूर होता है, जबकि इसमें क्या था? 0 होता था टाइम. तो स्पोरेडिक टास्क क्या है? दे आर द एपरियोडिक टास्क विद नॉन मिनिमम इंटर अराइवल टाइम. इसमें टाइम जो मिनिमम एक इंटर अराइवल टाइम होता है कि दो जॉब के बीच में इतना टाइम जरूर होगा, उससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम नहीं होगा टाइम. इसका मतलब क्या हुआ था? मिनिमम इंटर अराइवल टाइम बिटवीन टू जॉब्स कैन नॉट बी 0. ऐसा नहीं है इसकी तरह कि 0 टाइम के बाद ही जॉब स्टार्ट होगी. देयर मस्ट बी सम मिनिमम इंटर अराइवल टाइम. इट इंक्लूड्स हार्ड रियल टाइम टास्क. कहाँ पर यूज़ करते हैं इसको? हार्ड रियल टाइम टास्क में. जबकि इसको कहाँ यूज़ कर रहे थे हम? सॉफ्ट रियल टाइम टास्क में. डेडलाइन ऑफ ऑल इंस्टेंसेस ऑफ स्पोरेडिक टास्क कैन बी मीट इजीली. इसमें डेडलाइन मीट की जा सकती है. क्यों? क्योंकि ये हार्ड रियल टाइम में यूज़ किया था. यहाँ पर क्या है कि डेडलाइन कॉन्स्ट्रेंट्स स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, हार्ड रियल टाइम टास्क में यूज किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंक्लूड्स मॉडरेट और हाई क्रिटिकल टास्क. ये कहाँ पर यूज़ करेंगे हम? जो मीडियम या मॉडरेट टास्क होते हैं या हाईली क्रिटिकल टास्क होते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल्स, जैसे रोबोट हैंडलिंग ऑब्स्टिकल्स. रोबोट है, कहीं भी ऑब्स्टिकल आता है और रोबोट उसको अगर हटा रहा है, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पोरेडिक टास्क. या अगर आप किसी भी फैक्ट्री में फायर हैंडलिंग कर रहे हैं, विच इज़ ए क्रिटिकल टास्क, दैट विल आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पोरेडिक टास्क. तो हार्ड रियल टाइम जितने भी टास्क हैं, बहुत सारे और भी टास्क हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी किसके अंडर आएंगे? जो जितने भी हार्ड रियल टाइम टास्क होंगे, ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पोरेडिक टास्क. सो आई होप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, सो दैट यू कैन ईजिली ट्राई द क्वेश्चंस. यू मस्ट नो व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस एंड विच वन इज द करेक्ट. तो आई होप तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.